हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ई मुद्रा का जो आईपीओ है उसमें पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आईपीओ खुलने की तारीख थी वो 20 मई की थी और ये 24 मई को यानी कि ट्यूजडे को ये आईपीओ जो है वो बंद हो जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए। इसके प्राइस बैंड की अगर हम बात करें 243 से 256 रुपीज के आसपास का प्राइस बैंड है और एक लॉट में रहने वाले हैं 58 शेयर्स। वहीं अगर मैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 10 से लेकर 15 रुपए के आसपास चल रहा है अगेंस्ट द प्राइस ऑफ 256 रुपीस। अब जो मेरी आपको पर्सनल सजेशन है वो ये है कि अगर तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस पर्टिकुलर आईपीओ को मत अप्लाई करिए। जब इसकी लिस्टिंग हो जाए और अगर बाई चांस ये अगर आपको इस प्राइस से नीचे मिले तो आप इसको मार्केट से बाय कर सकते हैं। वहीं एट द सेम टाइम अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आंखें बंद करके इस पर्टिकुलर आईपीओ में आप पैसा लगा सकते हैं। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे मुनाफे ये आपको दे सकता है। डिजिटल सिग्नेचर का टाइप है इस कंपनी का, काफी बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, उनके साथ टाइप है। तो आने वाले टाइम में इस चीज का काफी ट्रेंड रहने वाला है और ये जो है आपको बहुत अच्छे रिटर्न बहुत कम टाइम में कमा के दे सकता है। बट अभी जो मार्केट की कंडीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और जो लिस्टिंग के लिए पैसा लगाते हैं वो इस पर्टिकुलर आईपीओ से दूर रहें, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो पैसा लगा के भूलने वाले इन्वेस्टर हैं, वो इसमें पैसा जरूर लगाएं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करिएगा। ये मेरे पर्सनल एडवाइस था आप लोगों को। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।